हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे यूनाइटेड टुवर्ड्स कोविड-19। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 1 जून 2020। जैसा कि आपको पता है, ये डेली क्विज का सेशन है। इसके अंदर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड, और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो चलते हैं सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब जीके रिव्यू चैनल टिल नाउ, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स एंड द अपडेट्स ऑफ वीडियोज दैट वी मेक। सो चलते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI? फसाई का नए CEO कौन बने हैं? सो फसाई के नए CEO बने हैं अरुण सिंघल। सो अरुण सिंघल इज द न्यू CEO ऑफ फसाई। फसाई का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फुल फॉर्म क्या है फसाई का, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज द स्पेशल सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में हेड है। एंड फसाई इज़ द फूड रेगुलेटरी इन इंडिया डेट सेट्स अप स्टैंडर्ड्स फॉर द फूड इंडस्ट्री एंड कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। सो आपको पता ही है कि ये एक फूड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फसाई, और जो भी आपके जो फूड आइटम्स होते हैं, पैकेजिंग फूड्स होते हैं, इनके ऊपर फसाई की टैग लग रखी होती है। ये फसाई से वेरीफाइड होते हैं। जो भी कोई फूड है, पर्टिकुलर किस इंग्रेडिएंट से बने हुआ है, वो सब क्वालिफाइड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये टैग लगाने का ये पर्पस रहता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड, वो बिल्कुल वेरीफाइड है और सेफ़ है आपके लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखिएगा फसाई की टैग होनी चाहिए। अगर नहीं है, डेट फूड इज़ नॉट फिट फॉर कंजप्शन। सो अगर फसाई की अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव, हु हैज़ टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFCL, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। सो कौन है बताइए जल्दी से। इसका आंसर है PR जयशंकर। सो PR जयशंकर इज़ द MD ऑफ IIFCL। और अगर इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, इनको जो टेन्योर दिया गया है वो 3 साल के लिए दिया गया है, और ये पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट नेशनल हाउसिंग बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। वहाँ पे इन्होंने 32 ईयर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड की है इन डेवलपमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन्स। और आपको सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये होली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 2006 में सेटअप हुई थी ताकि अपन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सके और स्मूथली रन कर सके, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलते हैं, इसका आंसर टिक कर लीजिए, PR जयशंकर इज़ द करेक्ट आंसर। सो PR जयशंकर हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFCL। नेक्स्ट वी हैव, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू फीचर इन द फॉर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट। सो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली है, यही एकमात्र इंडियन प्लेयर है, इंडियन एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जो फॉर्ब्स की टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2020 में लिस्टेड है। एंड ही इज़ रैंक्ड 66 इन द लिस्ट। और अगर फर्स्ट की बात करें, टेनिस प्लेयर रॉजर फेडर टॉप्स फॉर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम विद एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ 106.3 मिलियन US डॉलर। सो पहले नंबर पर रॉजर फेडर, ये स्विस प्लेयर है, ये टेनिस के क्या कहते हैं, टेनिस के सचिन तेंदुलकर है। एंड इज़ फॉलोड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी अर्निंग्स है $105 मिलियन। एंड फिर हमारे पास लियोनल मेसी है थर्ड नंबर पे, जिनकी अर्निंग्स है $104 मिलियन। क्लियर है, अगर आपसे हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करें तो रॉजर फेडर आएगा, सेकंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड विल बी लियोनल मेसी, एंड अगर इंडियन एथलीट की बात करें तो फर्स्ट विल बी विराट कोहली। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड माई लाइफ माई योगा
जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। द कंटेस्ट विल जॉइंटली रन बाय, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने माई लाइफ माई योगा कैंपेन चलाया है। एक ये वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये जो कंटेस्ट है ये किन दो एंटिटीज़ के जॉइंटली रन होगी, किन दो एंटिटीज़ के जॉइंटली अंडरस्टैंडिंग में या जॉइंटली मिलके वो रन करेगी। सो ये हमारे आयुष मिनिस्ट्री एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। फर्स्ट वन इज़ आयुष मिनिस्ट्री एंड सेकेंड है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और आपको मुझे आयुष का फुल फॉर्म बताना है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिस विल रेज अवेयरनेस अबाउट योगा, इंस्पायरिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन IDY, एंड पार्टिसिपेंट्स मस्ट अपलोड टू मिनिमम योगिक पोस्चर वीडियो विद अ शॉर्ट इंस्पायरिंग मैसेज ऑन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम विद हैशटैग माई लाइफ माई योगा इंडिया। विनर्स विल बी गिवन कैश प्राइजेस। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस कैंपेन में, इस वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट का योगिक पोस्चर का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और हैशटैग के साथ। ये हैशटैग आपको यूज़ करना है माई लाइफ माई योगा इंडिया हैशटैग के साथ, आपको जो वीडियो है योगिक पोस्चर में अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी इनका जो क्राइटेरिया रहता है उनके हिसाब से उन विनर्स को कैश प्राइजेस भी अलॉट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव अनीता कोटवानी अपॉइंटेड एज CEO ऑफ विच मीडिया एजेंसी। सो अनीता कोटवानी को हाल ही में CEO बनाया गया है मीडिया एजेंसी का। इस मीडिया एजेंसी का नाम है कराट, कैरेट कुछ भी, मतलब प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो कैरेट है या कराट है। सो कैरेट विल बी द मीडिया एजेंसी जिनके अनीता कोटवानी CEO बने हैं। सो कैरेट इंडिया हैज़ अपॉइंटेड अनीता कोटवानी एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कैरेट इंडिया इज़ अ मीडिया एजेंसी ओन्ड बाय डेंसू एगिस नेटवर्क दैट इज डेन विद हेड ऑफिस एट गुरुग्राम। सो एज सच आपके लिए यही बहुत यही इंपॉर्टेंट है कि जो कैरेट इंडिया के CEO बने हैं वो अनीता कोटवानी है। एज सच आपको ये याद नहीं रखना है कि कैरेट इंडिया कौन सी हेड ऑफिस कहाँ पर है और कौन सी किस कंपनी की जो इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। सो ये सब न्यूज़ एक बार ग्लांस डाल दीजिए, लेकिन एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप सभी को पता होगा बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर वाजिद खान जो कि 42 ईयर्स के थे वो पास्ड अवे हो गए हैं। ही वॉज वेल नोन विद द ड्यू पार्टनरशिप एज साजिद वाजिद विद हिज ब्रदर साजिद खान, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1998 विद मूवी प्यार किया तो डरना किया, फॉलोड बाय गर्व, तेरा नाम, तेरे नाम, पार्टनर एंड वेरियस अदर्स। आपको पता ही है ये सलमान की कई मूवीज़ में गा चुके हैं। सो ही मेंटर्ड द शो सारे गामा पा 2012 एंड सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार। इनका ओरिजिन है सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये यूपी के बिलोंग करते हैं। जाने माने म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर है वाजिद खान। इनकी मतलब ये डुओ में ही आते थे साजिद वाजिद, इनके ब्रदर के साथ ही ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। आजकल बॉलीवुड पर्सनालिटी या जो भी जो बड़े लेजेंड्स है या पर्सनल है उनकी अगर डेथ होती है, बर्थडे होता है, सबसे पहले अपन को सोशल मीडिया में पता चल जाता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपको पता ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो जाते हैं। नेक्स्ट वी है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे विल टेक चार्ज एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड दैट इज सिंकन कमांड। सक्सीडिंग किसको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे पोडाली शंकर राजेश्वर। सो मनोज पांडे विल बी सक्सीडिंग पोडाली शंकर राजेश्वर एज द कमांडर ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। सिंकन कमांड के कमांडर बनेंगे ये। ही वॉज हॉनर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया था इन 2020 एंड अपॉइंटेड एज एन ऑनररी ADD कैंप ADC टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन नवम्बर 2019। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एडवाइजरी कमिटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स
अंडर टीवी मोहनदास पाई। सो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया डेट इज़ IWBI ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है ताकि ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सके। इस कमेटी के हेड होंगे टीवी मोहनदास पाई, जो कि मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के चेयरमैन भी है। ये जो हमारे पास जो कमेटी बनी है, इसके अंदर 12 मेंबर होंगे। 12 मेंबर पैनल कमेटी है, डेट विल प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट ऑन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, अगर मैं IWBI की बात करूँ, ये जो भी आपके जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि भाई कोई जो बैंक है या कोई पर्सन है जो घोटाला करके चला गया है या कोई बैंक घाटे में चल रहे हैं, इनको कैसे उभार के लेके आना है, सो ये सब इन चीज़ को मॉनिटर करते हैं। एंड IBBI इज़ एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एक बार थोड़ा सा इनका फंक्शन देख लेते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स। इट हैंडल्स द केसेज यूजिंग टू ट्रिब्यूनल्स, डेट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सेकेंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जो भी डेब्ट आ गई है किसी पर्टिकुलर बैंक्स में, उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। जैसे अभी बैंक्स का मर्जर हुआ था, तो इनके स्टैटिक्स, इन्होंने जो स्टैटिक्स दिया था कि किस बैंक की पोजीशन कैसे चल रही है, कौन कितना घाटे में चल रहा है, कितना रिकवर हुआ है, सो ये सब डेटा से ही हमने देखा था कि कैसे मर्जर हुआ है बैंक का। सो इन्होंने जो डेटा प्रोवाइड करा था आगे सेंट्रलाइज बैंक को, सो उससे ये डिसीजन लिया गया मर्जर का, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है। सो ये सब ये मॉनिटर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं जिन्होंने राजीव शर्मा को सक्सीड किया है, जिन्होंने राजीव शर्मा को सक्सीड किया है। सो इनका आंसर क्या होगा, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ पोर्शन ऐसा देता हूँ आपसे या आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सर्च करके मेरे को बताइए, ताकि कुछ और आपको दो बातें और सीखने को मिले। सो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, वरना मैं नेक्स्ट सेक्शन में तो इसका आंसर दूंगा ही दूंगा। क्लियर है? और अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ तो ये हमारे प्रेजेंटली सर्विंग एज अ डायरेक्टर इन द PFC एंड हैज़ मोर देन 35 ईयर्स एक्सपीरियंस इन वेरियस एरियाज ऑफ द पावर सेक्टर्स। सो 35 साल का एक्सपीरियंस है बहुत सारे पावर सेक्टर्स के अंदर, और PFC इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर। आपको पता ही है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। क्लियर है? इनका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। सो इसका आंसर है रविंदर सिंह ढिलोन। मैं चाहता था आप एक बार करें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप क्या पता सर्च तो करने वाला है नहीं, जो सर ने बता दिया वही ठीक है। आप 100% कह देता हूँ, बहुत कम स्टूडेंट्स मिलेंगे मेरे को जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। सो मैं नहीं चाहता कि आप इस क्वेश्चन को मिस ही कर दे, तो इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया कि रविंदर सिंह ढिलोन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वी हैव यूपी गवर्नमेंट साइंस MOU विद इंडस्ट्री एसोसिएशन बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, वॉट इज़ द मोटो ऑफ दिस MOU। सो यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU तय किया है इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर सके। इस MOU का मेन मोटो क्या है? तो इस MOU का मोटो है, हर हाथ हो काम, हर घर में रोजगार विद स्पेशल सॉफ्टवेयर। सो इसका मोटो है, हर हाथ हो काम, हर घर में रोजगार। सो MSME डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट साइंड MOU विद इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चैम्बर्स फॉर प्रोवाइडिंग 9.5 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर। सो आपको पता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए, ताकि जो माइग्रेंट्स है अपने घर पे आ गए हैं, तो उन्हीं को अपने घर पे रहते हुए ही रोजगार मिल जाए, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। सो इस कोशिश में इन्होंने MOU तय किया है, बनाया है इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, और ये 9.5 लाख जो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कराएंगे। एंड इट विल बूस्ट MSME सेक्टर, दैट इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। नेक्स्ट वी सॉरी आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया GK Review चैनल को,
सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। एंड दैट्स इट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।